नमस्कार दोस्तों, अतरंगी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल को मध्य पूर्व एशिया के सबसे विकसित टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस और ताकतवर देशों में से माना जाता है। इसराइल मिडल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास तेल न होने के बावजूद इसे मिडल ईस्ट के सबसे अमीर देशों में से गिना जाता है। दोस्तों, हर देश की कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें होती है, लेकिन एक बात काफी हैरान करने वाली है। लेकिन आज से लेकर लगभग 70 साल पहले जिस देश का वजूद भी नहीं था, वो देश फलिस्तीन के अंदर अपना एक अलग देश बनाकर इतना कम समय के अंदर आखिर इतना धनी कैसे हो पाया। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ इसराइल के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। इसराइल की सफलता के पीछे यहाँ की शिक्षण व्यवस्था और तकनीकी व्यवस्था को माना जाता है। इसराइल की लगभग 98% आबादी शिक्षित है और यहाँ की काफी सारी यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से मानी जाती है। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करना पसंद करता है। यही कारण है कि इसराइल में प्रति 1000 लोगों में से 14 लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। इसराइल बहुत ही छोटा देश होने के बावजूद यहाँ पर नोबेल प्राइज पाने वाले साइंटिस्टों की संख्या 6 अलग अलग भागों में मौजूद है। आबादी के हिसाब से स्किल लेवलों की संख्या की तरफ देखा जाए तो इसराइल दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। नई कंपनी बनाने के तरफ से इसराइली लोग पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। इसमें इसराइल को अमेरिका का काफी सहायता मिलता है। इसके अलावा भी काफी सारी अमेरिकी इंटरनेशनल कंपनियां इसराइल में रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। खेती करने में इसराइल टेक्नोलॉजी का काफी सारा इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन इसराइल कर पाता है। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसराइल अपने देश में काफी मात्रा में सब्जियां और गोमांस का उत्पादन करता है। 1970 से लेकर आज तक अमेरिका इसराइल को हर साल हजारों करोड़ रुपया सैनिक विभाग में इसराइल को दान करता है। और तब से लेकर आज तक इसराइल बहुत ही कम सूद में अमेरिका से लोन लेता है, जिससे इसराइल को काफी फायदा होता है। इसराइल अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस सामानों को बनाकर और इसे दूसरे देशों को बेचकर कमाता है, और उसको बनाने में टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका काफी हद तक इसराइल को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।